राधे राधे गुरु जी जी, मेरे चरणों में आपका नहीं नहीं आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सारे दोस्त मेरे को सलाह देते हैं कि अंडा खाया कर, पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ बिल्कुल ना खाना, ये धर्म देखो, अंडा खाना ना ये हमारा धर्म नहीं है। किसी के बच्चे को खा जाना, मुर्गी कितना प्यार करती है अंडे से, उसको सेकती है, संभालती है, पर आप किसी के बच्चे को खा जाए, उनको समझाना कि आप किसी के बच्चे को क्यों खा रहे हो। लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। धन्यवाद गुरु। अब से ये बोलना, क्या बोलोगी? संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। हाँ ये सेंटेंस सही है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ गुरु जी है तो हमारे पुत्र के समान आप। मैं तो बहुत बड़ी बूढ़ी हूँ, पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ। बोलो। मैं उसमें थोड़ी भ्रमित हूँ कि अगर मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करमाला या तुलसी की माला करती हूँ, और अगर हमारे पति गर्म पानी या चाय मांगते हैं, और अगर मैं वो माला बंद करके उन्हें चाय और पानी दे देती हूँ, तो वो माला हमारी पूरी नहीं होती है क्या? दोबारा करने लगती हूँ? नहीं नहीं, माला तो जितना नाम जप लिया वो आपका धन है। जी जी आगे जी। जो पति की सेवा कर रहे हैं वो सेवा भी आपका ही धन है, वो भी पुण्य है ना सेवा करना। जी जी। और गुरु जी भले ही हमारे आप पुत्र जैसे हो, पर मुझे आशीर्वाद दो इस माँ को कि हमेशा हमारा भक्ति में ही मन लगा रहे, प्रभु के चरणों में ही मन लगा रहे। बिल्कुल सुंदर। जय जय श्री राधे। आप भी हमें आशीर्वाद दो कि हमारा सेवा में मन लगा रहे। माँ का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल, पुत्र के लिए माँ का भी आशीर्वाद है। लागी लगन मत तोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना हरी जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, खेती बोआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना गुरु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना हरी जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। जल सुंदर, गहरा। बस सबको मौका दो मैया, अब जल गहरा है अभी, ठीक है।